बोकारो जिला गोमिया प्रखंड के ग्राम ससबेड़ा में एक कंचन नाम की महिला अत्यंत ही गरीब, चार बच्चों के साथ अपना आया का काम करके जीविका चला रही है। बहुत मुश्किल से घर नहीं रहने के कारण इसका जीविका गुजर रहा है। घर टूट फूट गया है, जिसके कारण इसको अपने चार बच्चों के साथ दूसरों का घर में किराए में रह करके आया का काम करके जीवन जीना पड़ रहा है। देखिए दीदी, टूटा फूटा घर है, बालू नहीं चलता है, कैसे रहेंगे? लेन लेन में बच्चे हमारे विचार से 2002 से 2007 वाला बीपीएल कैसे हुआ है कि उसमें धनी लोग आ गए हैं और उन लोग का छत है तो बीपीएल का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो गरीब है उनका बीपीएल में नाम ही नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है, डर लगता है कब का हो जाए। जब अंधर पानी आता सब दूसरा के घर में सुटा देते हैं बच्चा लोग को। ऐसा जो होगा से हमको होगा, बाल बच्चा तो मेरा सही रहेगा, सही सोचते हैं। फिर भी कोई अथी मदद नहीं करता, कोई देख भी नहीं करता, लेकिन सरकार की नीति क्या है पता नहीं चलता है, और ना हम लोग को सर्वे करने के लिए दे रही है कि जिससे कि हम लोग उचित व्यक्ति को बीपीएल में नाम दे सके, जिससे कि उसका इंदिरा आवास बन सके और उसको विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और जो वृद्धावस्था पेंशन है ये सब का लाभ उसको दे सके। तो हम लोग के ऊपर डिपेंड सरकार नहीं कर रही है और हम लोग से नहीं मांग रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दिन हो गया सर, इंदिरा आवास लिखते लिखते ले जाता है, सब ऐबे नहीं करता है। हाँ, बड़े दिन करे, कम से कम 2 साल हो गया, लिख के ऐबे नहीं करे। बार बार तबीयत खराब होते रहता है, सही से नहीं रहते हैं, वही चलते वहाँ ध्यान भी छोड़ दिए हैं इंदिरा आवास के लिए। हम लोग का कहना है कि पंचायत में आम सभा कराकर और गांव के लोगों से ही बीपीएल का निर्धारण किया जाए, जिससे कि समुचित लोगों का उसमें सहभागिता हो सके। मैं तो चाहता हूं कि जो गरीब निर्धन जो असहाय है, जिनका कुटिया एकदम नहीं है, गिरा हुआ है, उनको इंदिरा आवास मिले और वो सुख चैन से रहे। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें इंदिरा आवास की व्यवस्था की जाए, और दर्शकों से अनुरोध है कि गोमिया प्रखंड के वीडियो के इस नंबर में कॉल कर इन पर दबाव बनावे। मैं गोरेती कुजूर बोकारो जिला गोमिया से इंडिया अनहर्ड के लिए।